हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस डिलाइट। टेंथ क्लास के स्टूडेंट्स हैं भाई। अगर देखा जाए तो सेकेंडरी क्लास में आपका ये लास्ट साल है, इसके बाद सीनियर हो जाओगे आप लोग, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है टेंथ, क्योंकि बोर्ड्स है, राइट। तो अब बोर्ड्स के लिए प्रेशर लेने का टाइम आ गया है। क्या सही बोलना, ये बोलना ठीक रहेगा बेटा? प्रेशर कभी नहीं लेना चाहिए, ठीक है। किसी भी चीज़ का प्रेशर नहीं लेना चाहिए। हाँ, उसकी उस चीज किसी भी चीज की टेंशन होना अच्छी बात है, लेकिन टेंशन से ओवरबर्डन होना, ये थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। तो टेंशन से कभी ओवरबर्डन नहीं होना। टेंशन, प्रेशर, ये सब आपकी मेंटल एबिलिटी को बढ़ाने के लिए है, आपकी मेंटल एबिलिटी को क्रश करने के लिए नहीं होता है, ठीक है। तो चीजों को जितना जल्दी आप समझो, ठीक है, जितना, क्योंकि अब आप मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हो, ठीक है। टीन एज मैच्योरिटी वाली एज होती है, प्यूबर्टी आती है, सबको पता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है अब आप चीजों को समझना शुरू करो। चीजों को रटने से कभी कोई फायदा नहीं होगा, चीजों को आपको समझना पड़ेगा। एंड साइंस इज ऑल अबाउट टू थिंग्स, क्या था, क्यों और कैसे, के टू, राइट। टेंथ है, इम्पॉर्टेंट है, हम साथ साथ में चलेंगे, ठीक है, साथ साथ में आपको समझाते हुए चलेंगे जितना हो सके सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तो टेंथ में आप तीनों चीजों मुझसे पढ़ोगे, ठीक है। तीनों चीजों में क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ओके। क्योंकि बहुत सिंपल सा, इतना कुछ ज्यादा टफ नहीं है, चीजें समझेंगे, चीजें आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब देखें जरा यहाँ पर क्या बोला, साइंस साइंस एवरीवेयर, वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड, हमें सिर्फ उनको समझने की जरूरत है, राइट। आप क्वेश्चन पूछें तभी आपको साइंस समझ में आती है, ठीक है। क्वेश्चन पूछना जरूरी है, क्यों, कैसे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों कहा, कैसे कहा, कुछ तो प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। कोर्स हम क्या क्या करेंगे उसकी बात करते हैं। नाइन्थ आप लोग का हो चुका, ठीक है, लेकिन अगर आपको फिर भी कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझना हो तो नाइन्थ के लेक्चर्स में आपको मिल जाएगा, राइट। फिर टेंथ, इलेवेंथ और ट्वेल्थ आपको पढ़ना ही है। इसके अलावा और क्या क्या है, नई नई डिस्कवरीज से रिलेटेड हम बातें करेंगे, ठीक है, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स से रिलेटेड हम बात करेंगे। फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हम बात करेंगे इसमें, जो कि साइंस में हर कोई लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस करता है, तो हम उसकी भी बात करेंगे, राइट। नेक्स्ट एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो भी सॉल्व करवाए जाएंगे, बराबर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये किताब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब आपके लिए यही आपकी क्या है, गीता है, यही आपकी कुरान है, यही आपकी बाइबल है, ठीक है। इसी से ही पढ़ने, इसी से ही पढ़ना है, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, ये चीज होगी, ठीक। चलो नेक्स्ट, केमिकल रिएक्शन, सबसे पहले हम इसी की बात करते हैं। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है। सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस बेसिकली आप ऐसे समझो कि जैसे मान लो ए प्लस बी, ठीक है, गिव्स सी। अब ये सर आपने क्या बोला, अभी आप बोल रहे थे समझाओगे, हाँ तो समझो। देखो ए मान लो कोई एक एटम है, बी कोई एक दूसरा एटम है, और सी कोई तीसरा एटम है। मतलब ए और बी मिलकर क्या बना रहे हैं, सी। ए एलिमेंट की मान लो एक्स प्रॉपर्टीज है, कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। ए और बी क्या है, ऐसे एलिमेंट से जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी एक दूसरे से, तभी तो डिफरेंट एलिमेंट है ना, ठीक है। और ये आपस में क्या मिलकर बना रहे हैं, एक ऐसा कंपाउंड जिसकी प्रॉपर्टी इन दोनों से, ए और बी से, एंटायरली डिफरेंट हो। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, देखो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन कैसी गैस होती है आपने देखा होगा, हाइड्रोजन बहुत ज्यादा इनफ्लेमेबल, रॉकेट फ्यूल की तरह यूज होता है ये, बहुत ज्यादा जल्दी जलता है। प्लस ऑक्सीजन आपने देखा होगा, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ यूज होता है, किसी भी चीज के जलने में। तो बोथ गैसेज आर हाईली इनफ्लेमेबल, नॉर्मल इनफ्लेमेबिलिटी भी नहीं है इसमें, हाईली इनफ्लेमेबल है, हाईली इनफ्लेमेबल है, ठीक है। और जब ये आपस में H2O बनाएंगे, H2O बनाएंगे दो मॉलिक्यूल, ठीक है, तो H2O आपको पता है नॉन सपोर्टर ऑफ ऑक्सीजन है ये, सॉरी नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन, सपोर्टर ऑफ कंबशन। आपने देखा दो एलिमेंट या कंपाउंड जिनकी प्रॉपर्टीज एंटायरली डिफरेंट हैं, वो आपस में मिलकर एक नया कंपाउंड बनाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसकी प्रॉपर्टी इनसे डिफरेंट होती है, ठीक है। तो ए और बी क्या हुए, या H2 और O2 क्या हुए, जो भी लेफ्ट साइड में जो ये चीजें रहेंगी, इनको हम बोलेंगे रिएक्टेंट, क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। और ये जो साइड में है, ये से हम बोलेंगे ये क्या है, प्रोडक्ट है। ये क्या चीज है, प्रोडक्ट है,
चीजों को समझें जरा। तो केमिकल रिएक्शन क्या समझाई मैंने आपको कि एक केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें वन और मोर सब्सटेंस, देखो यहाँ पर वन और मोर सब्सटेंस ऑल्सो कॉल्ड एज, जिसको हमने क्या बोला था, रिएक्टेंट। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक और चीज याद रखना, कीवर्ड्स पर फोकस रखना, ठीक है। कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स क्या हुए, जो आपस में रिएक्ट करते हैं, ऐसे एलिमेंट्स, और आपस में रिएक्ट करके क्या बोला, टू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन किया उसने, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। अगेन प्रोडक्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में हमने बोला सर H2 प्लस O2 इट विल गिव H2O, ठीक है। तो H2 और O2 क्या चीज है सर, H2 और O2 क्या है हमारे पास, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है, और ये क्या चीज है, ये प्रोडक्ट है। समझ में आई बात, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर रिएक्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड में क्या किया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में आपने क्या किया, देखो डिश कलर, फूड कलर, ये सब डाला और साथ में लास्ट में पोटेशियम आयोडाइड डाल दिया। तो इससे जो रिएक्शन हुई, इससे क्या बना, ये एलिफेंट टूथपेस्ट बन गया। इसको हम एलिफेंट टूथपेस्ट ही बोलते हैं, टूथपेस्ट, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन है, बराबर। अब देखो आगे, दुनिया में कितनी तरह की रिएक्शन हो सकती है, इनफाइनाइट, ठीक है। बहुत कितनी भी हो सकती है, आप नॉर्मल डेली लाइफ में भी रिएक्शंस देख सकते हो, हर जगह रिएक्शन है। एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ वुड, ठीक है, आपने देखा होगा लकड़ी जब जलती है, ठीक है, आपने वुड लिया, ठीक है, और ऑक्सीजन लिया और दोनों को हीट कर दिया, जलेगा तो क्या बचेगा आपके पास, एक ऐश बचेगी, राख, साथ में CO2, H2O, ये सब वेपराइज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये भी एक रिएक्शन है। रॉटनिंग ऑफ फूड, ठीक है, रॉटनिंग ऑफ फूड, फ्रूट, चीजें सड़ना, मतलब खासकर जो फल होते हैं वो सड़ जाते हैं। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, एक ऐसा केमिकल बताओ जो फ्रूट की राइपनिंग में यूज होता है, कमेंट सेक्शन में डालना आप लोग कि कौन सा केमिकल होता है जो फ्रूट की राइपनिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। चलो बेकिंग ऑफ केक, ठीक है, केक कैसे बनता है भाई, ठीक है, बहुत सारे कुक्स भी होंगे हमारे साथ, तो केक कैसे बना जाता है, केक आप लेते हो मैदा, चीनी, दूध, चॉकलेट और अंडा, एग लेते हो, जो जो एग जो वेजिटेरियन सॉरी नॉन वेजिटेरियन होंगे या एगिटेरियन होंगे वो तो खाते ही हैं, तो आप इनको मिक्स करते हो। अगर मैं बोलूं कि आप कच्चा मैदा खाओ, एग खाओ, चीनी खाओ, बन जाएगा केक मुंह में, ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि वो रिएक्टेंट्स हैं, जो भी आप मैदा ये सब यूज करो रिएक्टेंट है, और जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है वो क्या होता है, केक होता है। तो बर्निंग ऑफ केक, जो बेकिंग ऑफ केक है वो भी रिएक्शन है, वो भी एक रिएक्शन है केमिकल। नेक्स्ट रस्टिंग ऑफ मेटल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं इसमें रस्टिंग ऑफ मेटल की अगर मैं बात करता हूं, तो रस्टिंग ऑफ मेटल में क्या होगा, देखो बहुत खराब चीज है रस्टिंग ऑफ मेटल, ठीक है। अगर कोई मेटल ऑक्सीडाइज हो गया ना, मेटल अगर मैं मेटल की अगर मैं बात करता हूं, तो मेटल अगर रस्ट आ गई उसमें, रस्ट आ गई या उसका क्या हो गया, करोजन हो गया, तो मेटल खराब हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी, ठीक है, तो खराब होता है ये। नेक्स्ट यूजिंग ऑफ बैटरी, बैटरी में आपने देखा होगा डिस्टिल वाटर पड़ता है, ठीक है, बैटरी में क्या पड़ता है, डिस्टिल वाटर पड़ता है, तो वो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। नेक्स्ट डाइजेशन, डाइजेशन कैसे भाई, सर डाइजेशन कैसे केमिकल रिएक्शन होंगी, ठीक है, मैंने कहा बच्चा आप क्या खाते हो, बोला सर मैं पिज्जा खाता हूँ, बोला ठीक है, तो क्या पिज्जा इधर पे लग जाएगा, क्या सीधा चिपक जाएगा, नहीं, ठीक है। पिज्जा क्या होता है, डाइजेस्ट होता है बॉडी में, पिज्जा में क्या रहेगा, फैट रहेगा, कार्बोहाइड्रेट रहेगा, अगर प्रोटीन है तो प्रोटीन भी रहेगा, ठीक है। तो वो फैट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, जैसे मान लो आपके पास पिज्जा था, तो पिज्जा से ये कैसे निकला, फैट कैसे बाहर निकला, कार्बोहाइड्रेट कैसे बाहर निकला, ठीक है, और ये हमारी बॉडी में कहाँ यूज हुआ, तो आप ये प्रोसेस से ही केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन यही होती है, ठीक है। तो ये चीज आप समझ लें, चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सारिंग ऑफ मिल्क, सारिंग ऑफ मिल्क की अगर मैं बात करता हूँ, जब मिल्क खट्टा हो जाता है, तो मिल्क खट्टा होने का रीजन क्या होता है भाई, कि मिल्क खट्टा हो गया, तो मिल्क खट्टा होने का रीजन होता है आपका दूध का खराब हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्लोडिंग ऑफ फायरवर्क्स कैसे होगा, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, ठीक है, TNT होता है, RDX होता है, ठीक है, बहुत सारे जो नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं जनरली वो एक्सप्लोजिव यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कुकिंग ऑफ एग, ये भी बताना मुझे, एग में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, एक प्रोटीन होता है एग में भी, ठीक है। नेक्स्ट कुकिंग ऑफ एग में क्या होता है, एग होता है, एग को फ्राई डाला, ऑमलेट बन गया, एग को गर्म किया, मतलब बॉयल किया,
तो एग का एक अलग प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, तो इनके बारे में बताना। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है, सबसे पहले इसको समझते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कैसी रिएक्शंस होती है भाई? फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, किसमें? आपके लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में, आईसीएससी में भी है। ठीक है, आईसीएससी में तो एक अलग से चैप्टर है फोटोसिंथेसिस का, लेकिन लाइफ प्रोसेस में सीबीएसई के पास है। फोटोसिंथेसिस में अगर आप बोले तो सर कैसे फोटोसिंथेसिस में रिएक्शन होती है? फोटोसिंथेसिस में क्या करते हो पता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेता है, ऑक्सीजन प्लांट लेता है, मिलाता है क्लोरोफिल की प्रेजेंस, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। और आप देखोगे हर एक ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे तो डिपेंडेंट रहता है। करेक्ट बात है, ठीक है, प्लांट पे कैसे डिपेंडेंट रहता है? बोला नहीं सर मैं तो पूरा दिन भर मांस मच्छी खाता हूँ, ठीक है, मैं घास फूस को तो हाथ भी नहीं लगाता। बोला नहीं आप तो चलो मान लो वो खाते हो, लेकिन इनडायरेक्टली तो वो चीजें जो, जैसे मान लो आपने चिकन खाया तो चिकन भी तो सीड्स खाता है, ठीक है, आपने बोला फिश खाई तो फिश भी तो जो सीवीड्स होते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि फिशेस सिर्फ फिशेस को खा रही हैं, नहीं, फिशेस जो होती हैं वो सीवीड्स खाती हैं, सीवीड्स भी खाती हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स जो प्लांट में रहने, जो समुद्र में रहने वाले, जो सी में रहने वाले प्लांट्स होते हैं उनको खाया जाता है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो भी डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स पे। ठीक है, जो आप डियर, मतलब डियर तो क्या, पर क्या बोल रहा हूँ, हाँ, जो आप वो खाते हो, क्या, बकरी खाते हो मान लो, गोट खाते हो या कुछ भी नॉन वेज में मटन खाते हो, तो क्या होगा, वो भी तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है किस पे, प्लांट पे, घास ही खाएगी। ठीक है, तो चाहे वेजिटेरियन पर्सन हो, चाहे नॉन वेजिटेरियन हो, चाहे इवन टाइगर चीता हो, कुछ भी हो, जो पूरा कभी घास फूस को हाथ भी लगाया, वो भी प्लांट पे ही डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट लेक्चर आज यहीं तक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस की बात होती है। ठीक है, यहाँ तक एक बार आप थोड़ा सा रिवाइज करना, अपने बुक्स को टटोलना, थोड़ा सा एनसीईआरटी को टटोलना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत एनसीईआरटी, उसको एक बार रीड करना। ठीक है, रीडिंग ऑफ एनसीईआरटी इज मस्ट। ओके, चलो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके, बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। ओके, चीज़ों दोस्तों में बहुत जल्दी इसको स्प्रेड करना, उनके लिए भी बहुत मदद होगी। ओके बच्चा, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं।